धन्यवाद सर। मैंने सुना आप बच्चों से कह रहे थे, आज एक्चुअली आप लोगों ने सम्मान समारोह रखा हुआ था, जो भी बच्चे फर्स्ट आए हैं, तो आप कह रहे थे कि बच्चों आप आज फर्स्ट आए हो तो आप आगे भी मेहनत जारी रखना, नहीं तो कोई अगला इंसान कहने के लिए तैयार रहेगा कि आपका जो पहला सफलता था एक तुक्का था। आप तो इस कोचिंग के एक्सियोम ब्राइट क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और ऊपर से आज एक ब्लूप्रिंट आप लोगों ने दे दिया है कि कोई भी बच्चा अगर स्टेट टॉपर बनता है तो उसको लैपटॉप गिफ्ट किया जाएगा, तो सर आप पूरा बताइए कैसे आप मैनेज करते हैं, आगे कैसे आप मैनेज करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, आपने अनाउंस करवा दिया है लैपटॉप देने का, स्टेट टॉपर लाने का। लैपटॉप तो अलग बात है, स्टेट टॉपर कैसे आप लाइएगा, चैलेंज है आपके लिए, कैसे इसको एक्सेप्ट करिएगा। हम इस वक्त चैलेंज करते हैं, हम देखिए हम लोग एक नियम के तहत पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से तैयारी करवाना है, ये सब हम लोग पहले ट्राई करते हैं कि भाई टीम वर्क होता है, फिर बच्चों से कंसल्ट करते हैं कि कौन सा बच्चा किस लायक है, उसको अलग अलग बैच में बुलाते हैं। बात ये नहीं है, बात अब ये है कि अब स्टेट टॉपर लाना है तो आप कैसे लाइएगा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप बताइए ना, हम लोग तैयारी करवाएंगे उस लायक, कैसे कराइए बच्चे, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे आएंगे भी, बच्चे आएंगे आपसे जुड़ेंगे, कैसे जब हम सिवान टॉपर ला सकते हैं तो हम ये ऐसा करते हैं कि हम बिहार टॉपर भी ला सकते हैं, कैसे कैसे लाइएगा, कैसे तैयारी करेंगे। एक जो हमारे अंदर जो शिक्षा है उस हम देंगे बच्चों को, अंका पढ़ा उस क्लास को, मतलब डाउट होगा डाउट को हम पहले पूरा करते हैं, उसको सोल्यूशन देते हैं, ठीक, फिर नए हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसका जो सवाल जवाब होगा उसको पूरा करते हैं, फिर बोलते हैं भाई आप जाइए पढ़ने, घर पढ़ने पढ़ते हैं उसको, आइए फिर रिवीजन कीजिए घर उसको, फिर दोबारा डाउट होता है तो फिर पूछिए, ठीक, इस तरह से हम लोग क्लास को चलाते हैं। हाँ, अगर कोई किसी बच्चे को अगर तभी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए अलग क्लास की व्यवस्था रखते हैं हम लोग, शाम के वक्त क्या करते हैं कि जो बच्चे कमज़ोर है या जिनको नहीं समझ में आता है वो शाम को आते हैं दोबारा पूछते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। और ज़रूर हम लोग अगर आएगा अगर स्टेट टॉपर तो हम लोग उसको लैपटॉप ज़रूर देंगे, हमने तो हाँ सर हम कह रहे थे कि आप स्टेट टॉपर दे पाइएगा। जी बिल्कुल, इतना मेहनत करेंगे ज़रूर देंगे हम स्टेट टॉपर। तो आज ये जो आपने साइकिल दिया है तो पहली बार दिया है साइकिल? नहीं पहली बार नहीं, हम लोग दो तीन बार दे चुके हैं साइकिल ना, जो बच्चे टॉप करते हैं जिला टॉप करते हैं उनको साइकिल मिलता है, और अभी अगर अभी भी जो जिला टॉप करेगा अगले सेशन में भी, मतलब जिला तो, टॉप ही है, आपने स्टेट टॉप का नहीं चर्चा किया, अगर जिला टॉप है स्टेट टॉप करेगा तो लैपटॉप तो रखा है, जो जिला में टॉप करेंगे उनको तो फिक्स है साइकिल, उनके लिए साइकिल साइकिल फिक्स है। ओके थैंक यू सर। मान समारोह रखा गया था एक्सियोम ब्राइट क्लासेस में और आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं के डायरेक्टर से। सर आपका हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आपका भी हमारे कोचिंग संस्था में आपका स्वागत है, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे एक्सियोम ब्राइट क्लासेस परिवार के तरफ से आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर मैंने देखा और सुन भी रहा हूँ कि आपका जो एक्सियोम ब्राइट क्लासेज है इसको अब कहा जा रहा है कि अब फर्स्ट डिवीज़न देने की फैक्ट्री, खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है टेंथ के, कि फर्स्ट डिवीज़न की फैक्ट्री हो गई है, एकदम सबसे ज़्यादा रिजल्ट आप ही की कोचिंग से आ रहे हैं, क्या वजह है सर इसका? देखिए बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, थोड़ा सा होता क्या है कि यूँ तो हम लोग CBSE और बिहार बोर्ड दोनों की क्लास चलाते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट निकलता है ना अभिभावकों के बीच में या फिर बच्चों के बीच में कुछ ज़्यादा ही मौत होता है, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, इंटर का रिजल्ट आ गया, और वहीं बात करें CBSE का तो CBSE का श्रेय जो होता है ना वो भी हमारी संस्था से अच्छा जाता है, लेकिन उसका श्रेय स्कूल ले लेती है, तो उतना ज़्यादा मतलब हल्ला नहीं हो पाता है, लेकिन बिहार बोर्ड का बहुत ज़्यादा हल्ला है। और रही बात कि सच बात है ये जो लोग कहते हैं कि हमारी जो संस्था है एक्सियोम ब्राइट क्लासेस वो फर्स्ट डिवीज़न बनाने की मशीन बन चुकी है, पास कराने की मशीन बन चुकी है फर्स्ट डिवीज़न से, तो इसके साथ साथ देखिए जिम्मेवारी भी बढ़ जाता है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग आज से नहीं पिछले 9 वर्षों से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, और हम लोग का जो मेन मकसद यही है कि हम लोग को टॉप कराना है, बच्चों को टॉप कराना है, बच्चों को टॉपर बनाना है, यही हम लोगों का जिद है। जैसे कि टीम का हर सदस्य पूरी रूप से जुड़ा होता है, ऐसा नहीं कि एक घंटा आए पढ़ाएं चले गए, नहीं,
24 आवर 24x7 हम लोग छात्रों के लिए मौजूद रहते हैं। हम लोग का स्ट्रेटजी है, हम लोग का जो स्टूडेंट है उसको सेक्शन वाइज बांटे हुए हैं। आप ये नहीं देख सकते, जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट है तो एक पेशेंट को तो आप एक दवा दे दीजिएगा, लेकिन अगर 10 आपके पास पेशेंट है तो 10 पेशेंट को अगर एक बीमारी रहेगा तब तो एक दवा दीजिएगा, सबके लिए अलग अलग दवा देना है। वैसे ही जो आप 50 का बैच चला रहे हैं, 60 बच्चों का बैच चला रहे हैं, उसमें हर बच्चा अलग अलग मेंटेलिटी का है, अलग अलग इंटेलिजेंट है, अलग अलग उनका टैलेंट है, उस हिसाब से सेक्शन वाइज बांटा हुआ है, उस हिसाब से उनके पीछे मेहनत होता है। सर एक और चीज़ कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई गार्जियन जो आपकी कोचिंग से अभी नहीं जुड़ा है लेकिन इस वीडियो को देख रहा है जी, तो आप अपनी क्वालिटीज़ कोचिंग की बताइए कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि लोग अपने बच्चे को या बच्चे खुद आपके पास आके जुड़ें, कैसे आप पढ़ाते हैं, क्या टीम वर्क है आपका, वो बताइए। जो देखिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे पास जो है बिहार बोर्ड हो या फिर CBSE हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है प्रत्येक, जैसे कि मैट्रिक एग्ज़ाम है तो मैट्रिक एग्ज़ाम में कुछ लोग उर्दू पढ़ते हैं, कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं, मैथ साइंस SST आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग समय से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे यहाँ सिलेबस आपको नवंबर तक फिनिश हो जाता है, तो आपके पास दिसंबर जनवरी दो मंथ का जो समय है आपको काफ़ी समय मिल जाता है कि आप उसको टेस्ट ले लें, रिविज़न करा लें। और हम लोग का टारगेट ये नहीं रहता है कि फरवरी में एग्ज़ाम है तो फरवरी में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, हम लोग नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है, उसका मुख्य कि हमारे बच्चे अच्छा करें। और कारण नवंबर में ऐसा क्या कारण है कि नवंबर में हम लोग सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं, बाकी वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, बाकी संस्थाओं में नहीं हो पाता है, तो हमारे यहाँ कारण ये है कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रखे हुए हैं। इस वजह से हमारा जो सिलेबस है वो समय से ख़त्म रहता है, उसके बाद पर्याप्त समय मिलता है आपको टेस्ट देने का। और जो टेस्ट बच्चे देते हैं दो मंथ में वही क्वेश्चन लगभग हूबहू वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है। तो बच्चों से भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ का जो पेपर होता है 80-90% बोर्ड से लड़ जाता है। कारण क्या है, आप 5-6 सेट लेते हैं टेस्ट, उस टेस्ट का पेपर लगभग वही क्वेश्चन से मिलता जुलता रहता है, इसी वजह से हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, चूँकि उनके पास रिविज़न का पर्याप्त समय मिलता है। सर ये तो रहा बिहार बोर्ड का, तो क्या ऐसी आप तैयारी नहीं देना चाहेंगे नवोदय नेतरहाट की, जो बच्चे तैयारी 6 और 9 का करते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ उपाय आपने नहीं सोचा है, क्योंकि आप तो बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। जी देखिए पहले हम लोग मैट्रिक तक ही तैयारी कराया करते थे, इंटरमीडिएट नहीं चला था। पिछले 2-3 सालों से हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं रिजल्ट हम लोग का इंटरमीडिएट उसी तरह का है जिस तरह से मैट्रिक में बेहतरीन रिजल्ट है, और काफ़ी बच्चों ने प्रथम श्रेणी से पास भी किया इंटरमीडिएट। आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम की पढ़ाई कराई जाती है बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा, जिनका जो पढ़ाई लिखाई है शिक्षकों का, कोई दिल्ली से पढ़ के आया है तो कोई पटना से, मैंने सभी जो टीचर हैं वो शिक्षित हैं, वेल मेंटेन है, वेल बिहेवियर है, जो कि आपको संस्कार देते हुए डिसिप्लिन देते हुए। देखिए आप थोड़े समय पहले हमसे पूछे कि आप क्या खास बात है जो आप ही के कोचिंग को चुना जाए बच्चों के द्वारा, तो देखिए हम खास बातों में से एक बात यह है कि हम लोग डिसिप्लिन पे खासा ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन के लिए और रिजल्ट के लिए, इसी दो चीज़ों के लिए इस पूरे एरिया में हमारा कोचिंग का एक अलग स्थान है, एक अलग नाम है। और हाँ सर की कोचिंग की खूबी ये है कि बिल्कुल मिनिमम सा चार्ज इन्होंने रखा है अपनी कोचिंग में बच्चों को आने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिवान में सबसे कम। एक और चीज़, हाँ सर, अपने बच्चे जो आपके अभी फर्स्ट डिवीज़न बहुत सारे, कुछ बच्चों का कम अर्थ भी आया, तो वो डिमोरलाइज ना हो, तो अपने आपके बच्चे जो देख रहे हैं चैनल, तो उनको आप कुछ कहना चाहें, जिनका मार्क्स थोड़ा सा कम आया तो हमारे चैनल के माध्यम से उनसे कुछ कहिए। देखिए हमारे कोचिंग संस्था में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, और कुछ बच्चे सेकेंड डिवीज़न से पास हुए हैं। और सर रही बात कम मार्क्स जिन बच्चों का आया है उनके लिए, तो वो निराश ना हो, ज़िंदगी बहुत आगे है, आगे तक है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप जिस शिक्षक के पास जा रहे हैं
पहले उनका रिकॉर्ड देखिए, उनका रिकॉर्ड क्या है, क्या आप अपना जो एक साल है मैट्रिक की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना भविष्य जिन शिक्षक के हाथ में देना चाहते हैं क्या उस योग्य है जो आपको टॉपर बना सके, आपको अच्छे मार्क्स से पास करा सके, ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि गलत हाथों में आपका भविष्य पड़ेगा तो आप ज़िंदगी भर पछताएंगे। ये मैट्रिक और इंटर ऐसा समय है कि आप अच्छा से मेहनत करके बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोचिंग संस्था सिवान श्रीनगर में है, हमारा मोबाइल नंबर है 9993981 8657। तो हम कहना चाहेंगे अगर मैट्रिक और इंटर की है बारी, अगर मैट्रिक और इंटर की है बारी तो एग्जियम ब्राइट क्लासेस के साथ करें तैयारी, एग्जियम ब्राइट क्लासेस के साथ करें तैयारी। अंत में हम यही कहेंगे आप लोगों से कि सिवान टॉपर तो हम लोग बहुत दिए, बहुत सालों से देते आ रहे हैं, अब हमारी पूरी टीम का सपना है कि ये जो सिवान मौलाना मजरूर हक की जो धरती है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो धरती है, उस धरती से हम स्टेट टॉपर दें। इसलिए जिन बच्चों को अंदर जुनून है, कुछ अच्छा करने का जज्बा है, हम उनको ऊँची उड़ान देंगे। आप हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, हमारे संस्था से जुड़िए, हम आपको अच्छे रिजल्ट से पास कराएंगे, आपको टॉपर बनाएंगे। क्योंकि हमारा अगला जो मकसद है, अगला जो टारगेट है, वो है हमारा बिहार टॉपर। जुनून इतना है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा, जुनून इतना है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा। अरे आप साथ तो दो, अरे आप साथ तो दो, पूरे ज़माने में आग लगा दूंगा, पूरे ज़माने में आग लगा दूंगा। तो अंत में हम यही कहेंगे जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जिनको मैट्रिक और इंटर में अच्छा करना है, या फिर आपके आसपास जो भी बच्चे हैं मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं, इंटर की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी संस्था से जुड़िए। हमारा मोबाइल नंबर है 9993981 8657। थैंक यू। ओके, एक लास्ट में सर एक क्वेश्चन है, अगर आपको जुड़ना है इस कोचिंग से तो सर ने आज ब्लूप्रिंट पूरा अनाउंस किया और कहा भी है कि अगर कोई भी बच्चा इनकी कोचिंग से स्टेट टॉपर आता है तो वो लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। और आज जो भी सम्मान समारोह हुआ है फर्स्ट डिवीज़न का, इन्होंने जो है साइकिल गिफ्ट करी है, ठीक है। तो अगर आप आते हैं तो इनकी जिम्मेदारी खुद है कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं और स्टेट टॉपर हुआएं, ठीक है। तो ज़रूर आके इनसे जुड़ें, डेमो क्लासेस लें, दो दिन तीन दिन अगर नहीं समझ में आता है तो इनसे डायरेक्ट पूछें, ठीक है, और तब समझें कि हाँ एग्जाम में कुछ खूबियाँ हैं। ओके सर, थैंक यू, आपने हमें समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों की काफ़ी धन्यवाद।